हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वेब ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो वैकेंसीज निकल के आई हुई है उसके बारे में। तो फिर चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर लैपटॉप से कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लीजिए। देन सिंपली आपको सर्च बार पर टाइप करना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देन फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस का ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुका है। ओके, देन आप सभी को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग पोस्ट, इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। देन आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पीडीएफ्स का लिंक दिया गया है। ओके, नंबर वन पे है यूजीसी गाइडलाइंस, देन क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट, देन सब्जेक्ट वाइज एकेडमिक बैकलॉग पोस्ट एमए, देन जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर टीचिंग पोस्ट, देन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो मैं आप सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में और कितनी वैकेंसीज आई हुई है। ओके, तो फिर सिंपली आप सभी को ये पीडीएफ के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। होने के बाद आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन अपडेट हुआ 23/3/2021, यानी कि 23 मार्च 2021 को। ओके, मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितनी पोस्ट आई हुई है। ओके, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर देन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आप सभी को सब्जेक्ट्स बता दूंगा, आप सभी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा वैकेंसीज कितनी है। ओके, नंबर वन पे है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, देन आर्कियोलॉजी, देन कॉमर्स, देन कंप्यूटर साइंस, देन डिफेंस और स्ट्रेटजिक स्टडीज, देन इकोनॉमिक्स, देन एनवायरमेंटल स्टडीज, देन ज्योग्राफी, देन हिंदी, देन हिस्ट्री। इसके बाद में होम साइंस, देन हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन लॉ, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, देन मैनेजमेंट, देन मास कम्युनिकेशन, देन फिलोसफी, देन पॉलिटिकल साइंस, देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन संस्कृत। उसके बाद में है सोशल साइंसेस एक्सटेंशन, सोशल साइंसेस पब्लिकेशन, सोशल साइंसेस रिसर्च, सोशल साइंसेस ट्रेनिंग, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, देन वुमेन स्टडीज, देन योगा। टोटल 30 डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज निकली हुई है। ओके, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन के थ्रू से। ओके, ऑफलाइन के थ्रू में अप्लाई करने के बाद में आप सभी को सेंड करना है इस एड्रेस में, रजिस्ट्रार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेज, डॉक्टर अम्बेडकर नगर, MHOW पिन 453441, इंदौर, MP, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2021 बाई 5:30 PM, यानी कि 30 अप्रैल 2021 5:30 PM तक आप सभी का एप्लीकेशन इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। ओके, मैं एक बार फिर से आप सभी को सब्जेक्ट दिखा देता हूं, आप सभी अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज आई हुई है।
सिखाऊंगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। ओके, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिंपली आपको फिर से बैक यानी कि इस पेज पे आ जाना है। देन यहाँ पे देख सकते हैं आप, नंबर 2 पे है यहाँ पे क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग पोस्ट मार्च 2021। इस पीडीएफ के लिंक पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा दूंगा प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जैसे कि फर्स्ट में है प्रोफेसर, पे स्केल रहेगा लेवल 14 एज पर 7th CPC। ओके, एलिजिबिलिटी ए और बी। यहाँ पे मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, एन एमिनियंट स्कॉलर हैविंग ए पीएचडी डिग्री इन कॉन्सर्न और अलाइड रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि पीएचडी डिग्री होना चाहिए कॉन्सर्न या फिर अलाइड या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन में। देन अ मिनिमम 10 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी ऑफ और कॉलेजेस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। ओके, यानी कि द टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए। ये है प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन। देन एसोसिएट प्रोफेसर का मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ पे अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ पीएचडी डिग्री इन कॉन्सर्न एलाइड और रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि पीएचडी डिग्री चाहिए एज अ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड कॉन्सर्न एलाइड या फिर रिलेवेंट सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, देन मास्टर्स डिग्री विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, यानी कि एमए और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। देन अ मिनिमम 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग और रिसर्च इन एकेडमिक और रिसर्च पोजीशन इक्विवेलेंट टू डेट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी कॉलेज और एक्रीडेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री सेक्टर, यानी कि मिनिमम 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। ओके, टीचिंग या फिर रिसर्च। देन फाइनली मैं आप सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर का, इससे पहले कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का बोलूँ, मैं आप सभी को यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल बता देता हूँ। पे मैट्रिक्स लेवल 13 एज पर 7th CPC रहेगा एसोसिएट प्रोफेसर का पे लेवल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का पे मैट्रिक्स लेवल रहेगा लेवल 10 एज पर 7th CPC। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा अ मास्टर्स डिग्री विथ 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड, यानी कि मास्टर्स डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, इसके अलावा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट NET कंडक्टेड बाई द UGC और CSIR और अ सिमिलर टेस्ट एक्रीडेटेड बाई UGC लाइक स्लेट सेट होना चाहिए, यानी कि 55% मार्क्स इन पीजी डिग्री। इसके अलावा या तो आपने नेट क्लियर किया हो UGC के अंडर में, या फिर CSIR या फिर UGC, ओके, या फिर स्लेट या फिर सेट अगर आपने क्लियर किया है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये मैं आप सभी को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का फुल डिटेल्स दिखा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली हम इस पीडीएफ के लिंक में क्लिक करते हैं। करने के बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आप सभी के यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा, फिर दिखा दूंगा। जैसे कि एज लिमिट मैं आप सभी को दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एज लिमिट देख सकते हैं आप, टीचिंग एंड एकेडमिक पोस्ट के लिए है 65 ईयर्स
एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट 62 ईयर्स, ओके, यानी कि टीचिंग पोस्ट के लिए मैक्सिमम 65 ईयर्स एप्लीकेबल है, यानी कि 65 वर्ष तक के कैंडिडेट्स ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स फ्रॉम 55 to 50 विल बी प्रोवाइडेड एट अ मास्टर्स लेवल इन द केस ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि यहाँ पे 5% का छूट दिया गया है SC/ST कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, और ये रिजर्वेशन सिर्फ उसी स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, अदर्स स्टेट के लिए नहीं। नेक्स्ट मैं आप सभी के मैं दिखा देता हूँ एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विथ फी थ्रू स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट विद डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन एट एनी नेशनलाइज्ड बैंक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹500 फॉर SC/ST ऑफ मध्य प्रदेश, ₹1000 फॉर OBC ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कि देख सकते हैं आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से ही सेंड करना है, और आप सभी को यहाँ पे पेमेंट के मोड में डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ओके, कोई भी एक नेशनलाइज बैंक से आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। मध्य प्रदेश के SC/ST कैंडिडेट्स को 500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, देन OBC को 1000 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, और जनरल कैटेगरी के लिए भी 1000 ही रहेगा, यानी कि ₹1000। ओके, और सिर्फ SC/ST के लिए ₹500 का डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फी इज नॉन रिफंडेबल इन एनी कंडीशन एंड विल बी एक्सेप्टेड थ्रू डिमांड ड्राफ्ट ड्रॉन इन फेवर ऑफ रजिस्ट्रार। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है कौन से एड्रेस में आप सभी को डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ओके, यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, आप सभी इस ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ओके, लास्ट डेट मैं आप सभी को और एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट्स इंश्योर डेट देयर एप्लीकेशन रीच इन द यूनिवर्सिटी ऑन और बिफोर द लास्ट डेट इज 30 अप्रैल 2021, यानी कि 30 अप्रैल 2021 से पहले आप सभी का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। और यहाँ पे एड्रेस मैं आप सभी को और एक बार दिखा देता हूँ, आप सभी इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म विद डिमांड ड्राफ्ट एंड अदर सपोर्टिंग कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड रीच टू रजिस्ट्रार डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी सोशल साइंसेस डॉक्टर अम्बेडकर नगर MHOW पिन 453441 इंदौर MP ऑन बिफोर 30 अप्रैल 2021 5:30 PM इस एड्रेस में आप सभी का एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए विद डिमांड ड्राफ्ट एंड ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स। ओके, चलिए मैं आप सभी को नेक्स्ट दिखा देता हूँ आप सभी को एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पे मिलेगा। सिंपली आपको फिर से बैक ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर टीचिंग पोस्ट, सिंपली इस PDF के लिंक पे क्लिक कर देना है। करने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन फिलअप करना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर कैटेगरी पोस्ट कोड डिपार्टमेंट और सेंटर एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ पे आप सभी को अपना पूरा डिटेल्स फिलअप करना है, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकाना है। इसी तरीके से आप सभी
यहाँ पे फुल फॉर्म को अप्लाई करके और सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पे या फिर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से ही आप सभी को सेंड करना है। ओके, और भी अगर डिटेल्स में आप सभी को इंस्ट्रक्शन सब देखना है तो आप सभी इस ऑप्शन पे क्लिक करके और भी डिटेल्स में देख सकते हैं, एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग या फिर और भी बहुत सारी डिटेल्स। ओके, और अगर कोई भी फर्दर अगर न्यू नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से अवेयर कर दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई भी वीडियो का अपडेट आए तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।